कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की रेड से हड़कंप देखने को मिला है। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में अवैध अहाते पर छापेमार कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई है, छापेमार कार्रवाई की गई। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में अवैध अहाते पर छापा मारा गया। पिथला में दो अवैध शराब ठेकों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। काफी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई की गई। राजेंद्र रुदैया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, अवैध शराब के ठेकों पर कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो लगातार ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है जो अवैध तरीके से कारोबार करते हैं। और यहाँ पर भी ये देखने को मिला है कि अहाते को उन्होंने जो यहाँ पर सील किया है और आरोपी को पुलिस के हवाले किया है। इसके अलावा पिथला में दो अवैध रूप से चल रहे ठेके काफी दिनों से चल रहे थे, उन पर भी छापेमारी की गई और वो अवैध रूप से ही मिले, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन सवाल या निशान यही उठता है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग है उसके अधिकारी कहाँ सोए हुए थे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये ठेके अवैध रूप से चल रहे थे, जबकि एक एक ठेके की गिनती उनके पास होती है और उसके बावजूद इस तरीके से अवैध रूप से ठेका खोलकर शराब बेची जा रही थी, तो कहीं ना कहीं राजस्व को भी इसका भारी नुकसान पहुंचाने की एक कवायद थी। लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस पर कार्रवाई की है और आरोपियों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कराया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो काफी मात्रा में अवैध शराब भी यहां से बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। सूरजकुंड थाना क्षेत्र में अवैध अहाते पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है।